वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सूजी वाला आटा पिज्ज़ा। लाइक इंस्टेंटली सबको पिज्ज़ा खाने का मन हो रहा है और आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो इंस्टेंटली वेजिटेबल के थ्रू ही आप इजीली कैसे बना सकते हो, तो उसकी रेसिपी आज मैं आपको बताऊँगी। तो हम सामान जान लेते हैं कि हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। हमें चाहिए होगा भुना हुआ मैदा। मैदा आप ध्यान रखें कि आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ कर लें ताकि वो फूल जाए। आपको चाहिए होंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मिक्स वेजिटेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ शिमला मिर्च, पालक, गाजर, टमाटर, कटी हुई ऑनियन आपको चाहिए होगी, और मिर्च चाहिए होगी, नमक, सॉसेस आपको चाहिए होंगी। मैं रेड सॉस यूज कर रही हूँ और रेड चटनी यूज कर रही हूँ। ऑयल, बटर या घी अपने अकॉर्डिंग। मैं रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए आपको चाहिए होगा चीज, और सूजी आपको चाहिए होगी। सूजी आपको क्या करना है, आपको भिगो के रख लेनी है दही में, लस्सी में या दूध में अपने अकॉर्डिंग। मैंने इसे दही में डिप करके रखा हुआ था। और आपको सूजी में क्या करना है, सूजी में आपको सारे वेजिटेबल मिक्स कर लेने हैं। ऑनियन, गाजर, टमाटर, राइट, और स्वाद अनुसार नमक। आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर के लिए जैसे ये मिक्स हो जाता है 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे रख दें तो सूजी और अच्छे से फूल जाएगी। अब आपको क्या कर लेना है, मैदा ले लेना है, ठीक है, इसका पेड़ा बना ले। ध्यान रहे मैदा अच्छे से फूला हुआ होना चाहिए। आप लोग चाहें तो मैदा आटा मिक्स भी कर सकते हैं या सिर्फ आटा यूज कर सकते हैं या मैदा भी, वो आपकी मर्जी है। इसे अच्छे से बेल लें। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इसे तवे पे सेक लेना है इसका इस तरह से। आप चाहे घी में भी सेक सकते हैं, बटर में भी सेक सकते हैं, दोनों तरफ से सेकना है हमें इसे। जब ये दोनों तरफ से सिक जाएगा तो हम इसे निकाल के इस पे स्टफिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अभी पक चुका है दोनों साइड से, देखिए, ठीक है, अब हम इसे निकालेंगे इस तरह से। अब हम इस पे स्टफिंग करेंगे। सबसे पहले मैं सॉस यूज कर ले रही हूँ, अच्छे से फैला दे रही हूँ इस पे, ठीक है। और फिर जो मिक्स वेजिटेबल वाली जो सूची है, हमने जो बैटर तैयार कर रखा है, वो हमें उस पर फैलाना है। बहुत इजी तरीका है। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। ठीक है, वेजिटेबल्स अगर आप गार्निशिंग के लिए और यूज करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब आपको पैन में घी डाल देनी है, रिफाइन डाल देनी है, बटर भी यूज कर सकते हैं। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है। ऑयल गर्म होने के बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से हाथ में ले लेना है, और जो साइड इसकी फील्ड है वो आपको तवे पे उल्टी रखनी है इस तरह, बहुत ध्यान से रखें। और इसको आपको 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। वेट करते हैं 3 से 4 मिनट के लिए कि तब तक ये पक जाए। फ्रेंड्स, अभी बिल्कुल दे रहा है, आई थिंक ये पक चुका है। अभी चेक कर लेते हैं, उलट के देख लीजिए। यस, वाओ, देखिए बिल्कुल अच्छे से चिपक चुका है ये, और सूजी भी आपकी पकी हुई नजर आ रही है क्योंकि हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। तो बस दूसरी साइड को थोड़ा सा सेक के आपको इसे निकाल लेना है। मैं इसे निकाल रही हूँ। आप लोग चाहे तो उसमें चीज भी यूज कर सकते हैं, धनिया पत्ता भी यूज कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। और देखिए, नाउ इट्स रेडी। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सजेशन जरूर दें। थैंक यू सो मच।